एन आइडियल फुल वेब ब्रिज रेक्टिफायर एंड ए पी एम एमसी इंस्ट्रूमेंट एज सोन बिलो फिगर ठीक है यहाँ दिया हुआ है ये क्या है आपका फुल ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ है आपका ठीक है डायोड रेक्टिफायर है आप लोग अनकंट्रोल्ड है क्योंकि यहाँ पे सारा डायर चारो डायोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे कोई हम लोग को फायरिंग पल्स नहीं देना पड़ेगा दूसरी बात यहाँ पे पी एम एम सी एबमीटर भी लगा हुआ है यहां पर देख सकते हैं आप लोग उसके पैरल पे ठीक तो है तो पीएमएमसी आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़े होंगे क्या होता है पीएमएमसी जो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ठीक है इसका ये क्या ये क्या करता है ये डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं और एसी वैल्यू कौन मेजर करता है एम मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी एसी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं जैसे एसी वोल्टेज एसी करंट को मेजर करेंगे लेकिन ये पीएमएमसी जो है मिलीमीटर मीटर जो है ये डीसी वैल्यू को मेजर करता है मतलब यहां पे कोई भी डी सी आ रहा है आई नोट मान लें सपोज कोई वैल्यू होगा करंट उसका वो मेजर करेगा द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज हंड्रेड ओमल दिया हुआ है मतलब इसका इस इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है का हंड्रेड ओम मतलब मान आर एम जो इंस्ट्रूमेंट का वो हंड्रेड ओम दिया हुआ यहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस उसके बाद क्या बोल रहा है एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट ऑफ वन फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है जैसे कि एमीटर में जैसे कि यहां पर रहता है ये ये आपका एमीटर है इस टाइप का बना रहता है जो फुल स्केल जब जब जीरो से स्टार्ट करके फुल स्केल पे गया टोटल उसका कितना मेजरमेंट हुआ वन मिली एमपियर मतलब इंडायरेक्टली क्या दिया हुआ है डीसी वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है का वैल्यू दिया हुआ है कितना वन मिली एमपियर ये दिया हुआ है आपको यहां पे पर यह आपको समझना है क्लियर यहां पे अब यहां पे देखिए अच्छा विथ एन एन एसी वोल्टेज ऑफ हंड्रेड वोल्ट जब इसमें हंड्रेड वोल्ट अप्लाई किए यहां पे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ आर एस रिक्वायर टू ऑप्टेन फुल स्केल रिफ्लेक्शन विथ एन एसी वोल्टेज ऑफ हंड वोल्ट अपलाई टू द इनपुट जब हम लोग इनपुट पे हंड्रेड वोल्ट दिए तो आउटपुट जो आया वो मतलब यहां पे जो करंट है आई डोट वो क्या हो गया वन मिली पियर आया कहने का मतलब यही जब हंड्रेड वोल्ट यहां पे जब सप्लाई दी हम लोग एसी सप्लाई तो आउटपुट में जो करंट आया उसका वैल्यू क्या निकला वन मिली एमपियर मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यहाँ पे तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पे वैल्यू ऑफ आर एस कैलकुलेट करना यहां पे देखिए वैल्यू ऑफ आर एस कैलकुलेट करना है ये आर एस का वैल्यू तो ये आर एस जो यहां पे रेसिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है इसके उसको कैलकुलेट करना है डायरेक्टली ठीक है तो थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में आपको बस लैंग्वेज से कंफ्यूज कर दिया है लैंग्वेज से कंफ्यूज कर दिया है. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट पे क्यों क्योंकि गेट के क्वेश्चन टफ नहीं रहते वो आपको लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं आप सोचने लगे क्या होगा नहीं होगा ठीक है ना तो आपको थोड़ा स्मार्टली देखना होगा को इसमें कुछ है नहीं आप देखेंगे ना? आप जिसको जब सोल्यूशन करेंगे हम इसका तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से और उसमें लगेगा लगे अरे लगे, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं ठीक है ना तो यहां पर बस ये हंड्रेड वोल्ट अप्लाई किए तो करंट जो है वो मिली कर दिया हुआ है क्लियर यहाँ पे चलिए से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसका मैं कर रहा हूं इस साइड क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन समझ गए होंगे इसमें आपको आर निकालना है बस तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा क्या निकालना है और सप्लाई वोल्टेज हंड्रेड वोल्ट दिया हुआ ये हंड्रेड वोल्ट क्या है आपका आरएमएस वैल्यू है नथिंग एजेंस से मतलब वो आर एम एस वैल्यू ही रहता है ठीक है अब यहां अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं यहां पे देखिए सपोज अगर हम हम यहां पे क्या कंसीडर कर रहे हैं अप, अपना पोलैरिटी मतलब रेफरेंस मान रहे हैं ये ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला माइनस ये रेफरेंस है ठीक है और करंट का डायरेक्शन हम ऐसे रेफर किए ऐसे डायरेक्शन है, ये का है, तो हम हमको, जो है हमको लेना पड़ता है वोल्टेज का ये प्लस और माइनस ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस ये रेफरेंस मान के चल रहे है ठीक है और ये डायोड सपोज इसका डी ले, ले लेते हैं डी वन या डी टू और डी थ्री एंड वन इज डी तो अगर हम बात करते हैं पहले केस में अगर पहला केस अगर सप्लाई वोल्टेज को के चलते हैं हम लोग क्या मान लीजिए लीजिएगा ठीक है हंड्रेड रूट टू साइनगा तो इसका सप्लाई वोल्टेज अगर हम ड्रॉ करते हैं वन साइकिल हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं वन साइकिल है? तो यहां पे, तो पे क्या मिलेगा बताइए ऐसे कुछ मिलेगा ना साइन वेव आपका

जब पॉजिटिव अगला बात करेंगे तो वी एस इक्वल टू वी ए बी, ये गेटर देन जीरो है, तो यहां पे क्या होगा? ए जो है हायर पे में होगा इन कंपेयर टू बी के पोटेंशियल तो ए अगर हायर पे है तो कौन सा डायोड डी वन एंड डी टू कंडक्ट करेगा करेगा ना तो केस वन पे जब हम बात कर रहे हैं केस वन है, केस वन ले रहे हैं कब केस वन ले रहे हैं जब फोर

आइडियल डायोड दिया हुआ है और ये डायोड फॉरवर्ड बैस्ड है और यहाँ पे ये तो आपका ओपन है ये कुछ नहीं होगा तो ओपन है और यहां पे आपका फर्दर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ऐसे ये आपका है ये ओपन तो है आपका ऐसे तो यहाँ पे ओपन कोई मतलब नहीं बनता ना ये भी ओपन है ये आपका ओपन इसको तो छोड़ दीजिए मत बनाइए और यहां पे आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर एम इसका जो एम मीटर है उसको क्या रिप्लेस कर देंगे रेसिस्टेंस जो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ आर एम दिया हुआ वैल्यू कितना हंड्रेड ओम इसका वैल्यू दिया हुआ है ओम आपको दिया हुआ है तो बताइए यहां यहां पे यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये आई आई नोट नोट है या अगर करंट फ्लो हो रहा हो रहा है कि नहीं और यहां पे आपको हंड्रेड दिया हुआ है हंड्रेड ये प्लस और ये, ये माइनस तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे तो यहां पर अगर हम बात करें अगर यहां पर हम केवीएल लगाते हैं अगर आप केवीएल तो क्या मिलेगा का क्या मिलेगा इक्वल तो ना वी एस लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या होगा प्लस, 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 प्लस तो ही तो फ्लो हो रहा है ना पूरा ऐसे ऊपर तो प्लस तो ये माइनस तो आप इसमें KVL लगाएंगे, KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आर एस इंटू आई नोट प्लस आर एम इंटू आई नोट और ये जाएगा माइनस हंड्रेड तो ये, ये आपका माइनस तो इसको वीएस लिख दीजिए वी में लिख दीजिए आप तो ये आप पे ही आएगा। अगर लगाएंगे, तो तो वी एस बाई आ तो जिसको नहीं आ रहा है तो माइनस वी एस प्लस आई नोट इंटू आर एस प्लस आर एम तो आपका हो गया आई नोट इंटू आर एस प्लस आई नोट इंटू

आर एस का वैल्यू भी आपको पता है आर एम का वैल्यू आर एस तो निकालना है ना आर एस प्लस आर एम इक्वल टू हंड्रेड ये आपको दिया हुआ है ठीक है तो ये आपका कैलकुलेट हो गया अब इसका वैल्यू को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी तो क्या दिख रहा है आपको एक साइन वेव भी तो दिख रहा ना इसका जो आयोड का वैल्यू निकला है वो क्या है साइन वेव भी तो मिला ना तो साइन वेव इसका भी तो क्या होगा यहाँ पर साइन वेव बना दीजिए आप इसको आयर जो आया वो भी साइन वेव आया इसका एनरोड क्या होगा देखिए यहाँ पे एनरोड बना रहा हूं मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है यहाँ पे थोड़ा डायग्राम वगैरह सब दिखाना पड़ता है ना ये ओमेगा योमेगा और यहां पे अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करते हैं तो देखिए आईनोड का मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है ये भी साइन वेव है तो यहां पे आप क्या करेंगे यहां पे बस ये भी आपका साइन वेव जैसे फॉलो ही होगा ऐसे क्लियर है ये का बना दिया मैंने इसका जो पिक वैल्यू होगा वो क्या होगा हंड्रेड रूट टू आर एस प्लस हंड्रेड तो इसका आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं वीएम वीएम डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एस प्लस आर एम ये आपका पिक वैल्यू इसका आ गया वैल्यू क्या गया? वी एम बाई आर एस प्लस आर एम का पिक वैल्यू आ गया क्लियर यहां तक ये यह आपका यहाँ पर टू पाई है यहां तक आपको क्लियर हो गया फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर सेकेंड हाफ सेकेंड का बात करते हैं फोर नेगेटिव हाफ साइकिल इस, इस हाफ के लिए तो इसको यहां तक क्लियर इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर रब कर रहा हूं करंट क्यों निकालेंगे क्योंकि हमको करंट से ही मिलेगा करंट का वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पे आइनोड का वैल्यू क्या दिया हुआ वन मिली एमपियर मतलब ये क्या है एवरेज वैल्यू है एवरेज वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम करंट का वेबफॉर्म निकाल रहे हैं उसका फाइनली क्या कर रहे हैं देखिए यहां पे प्रोसेस बता देता हूं फाइनली आपको एवरेज वैल्यू दिया हुआ कितना वन मिली एमपियर एवरेज वैल्यू दिया हुआ ठीक है अब यहाँ पे आईनोड का अगर हम एक बार वेब मिल जाता है और उसका एवरेज वैल्यू निकाल करके उसको इक्वेट कर देंगे वन मिली एमपियर से तो आंसर आपको मिल जाएगा समझ फदमा कि नहीं क्या कर रहे हैं तो प्रोसेस बस यही है आपको जो दिया हुआ है उसको यूज करना है बस मैं इसको रफ कर रहा हूं और उसके सेकेंड जो केस है उसको मैं बताऊंगा अभी केश टू केस टू जो है आपका यहां पे केस टू ले रहे हैं हम लोग केस टू में क्या ले रहे हैं फोर नेगेटिव हाफ साइकिल इस हाफ के लिए तो इस हाफ में आप बताइए ये आपका वी ए बी जो है यहां पे वी ए बी या वी एस जो है आपका क्या है लेस देन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ बी का जो पोटेंशियल है वीबी इज ग्रेटर देन

ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है ठीक है और ये ऊपर वाला तो खुला है यहां पे तो खुला है ये ये कुछ नहीं ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बैच है तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो यह खुला है और नीचे वाला बात करते हैं हम लोग तो डी जो है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्यों क्योंकि वो फॉरवर्ड बैस्ड हुआ और यहां पर अगर बात करें तो ये आपका यहां पे यह फॉरवर्ड बैस्ड है तो ये आपका डी थ्री यहां पर आ गया ये डी हो गया और यहां पे आपका ये आपका रेसिस्टेंस आर ये आपका कनेक्ट हो गया

यहां पे केवीएल लगाएंगे ऐसे ठीक है तो ये ऐसे जा करके ऐसे गया ऐसे करके रिटर्न आया रिटर्न पास होके ऐसे मिला आपको तो केवीएल आपका ये है तो यहां लगाया अगर केवीएल लगाते हैं तो बताइए क्या होगा यहां पे यहां गया ऐसे i नॉट इनटू rm मैं इसको प्लस ऊपर और माइनस so i नॉट इनटू rm प्लस फिर यहां आके यहां देखिए यहां हो गया ये आपका क्या यहां पर करंट फ्लो हो रहा है इधर से तो यहां प्लस और माइनस होगा ना ऊपर इधर प्लस तो मैं करंट जहां इंटर करता है क्योंकि एलिमेंट होता, होता है वो क्या होता है आपके एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है तो यहां पे प्लस पे इंटर कर रहा करंट तो यहां पर प्लस इधर होगा और इधर माइनस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आई नॉट इन टू आर एस ठीक है और वी एस जो यहां पर फिर प्लस वी एस आ गया इक्वल टू जीरो मारा कि नहीं यहां पे बहुत लोग कंफ्यूजन क्या होता है देखिए बी जो है अगर यहां बोलेंगे हायर पोटेंशियल पे तो बहुत लोग क्या करते हैं इसको प्लस कर देते हैं इसको प्लस इसको माइनस ले लेते हैं नहीं ये गलत है आपको रेफरेंस कभी नहीं छोड़ना अगर ऊपर प्लस है तो माइनस वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा मतलब मारा कि नहीं ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा क्लियर है कि नहीं तो यहां पर रेफरेंस मैं वही ले रहा हूं देखिए यहां पर रेफरेंस कभी नहीं छोड़ रहा हूं मैं प्लस और ये माइनस लिया हूं ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा देखिए यहां पर तो यहां बताइए यहां पर मैं लिखा हूं तो आयोट का वैल्यू क्या आ गया माइनस बी एस क्या रहा माइनस बी एस आर एम प्लस आर एस ये तो आया ना ठीक है तो ये आपके यहां से डॉट का वैल्यू निकल गया इसको मैं रब कर रहा हूं इसको मैं फोन ड्रॉ करना है हम लोग को इसका गया आपका मैं इसको रब कर देता हूं रेफरेंस ध्यान रखिएगा हमेशा रेफरेंस एक फिक्स करना है जैसे ये प्लस माइनस यहां पे बहुत लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं ऊपर एक जब सेकंड सेकंड हाफ सकल होता है तो को नेगेटिव कर देते हैं को पॉजिटिव करते हैं वो गलत हो जाता है रेफरेंस रेफरेंस चेंज नहीं करना हमेशा प्लस माइनस तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर ऑटोमेटिक चेंज जाएगा अगर रेफरेंस सेम रखेंगे तो ठीक है तो ये आपका नॉट का वैल्यू क्या है माइनस वी एस बाई आर एम प्लस आर एस ये आपका यहां तक आ गया अब यहां बताइए इसका वेवफॉर्म वेफ्रॉ करना हमको नॉट इक्वल टू क्या आ गया माइनस और वी एस का वैल्यू क्या 100 2 sin t है हंड्रेड मतलब रूट टू साइनगाइड बाई आ किस पीड का है? पाई से टू पाई तक का बात है तो अब बताइए साइन वेब जब बनाते हैं हम लोग साइन वेब बनाते हैं ठीक है ठीके? तो ये ऐसे बनता है ऐसे बनता है ना जीरो से पाई पाई से टू पाई ये क्या है

वैल्यू डालेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा तो तो ये आपका हो गया गया किसका माइनस का मिल तो पाई से टू पाई में माइनस तो तो ये आपका क्या हो रहा है माइनस बस पिक वैल्यू आपका डिफरेंट है यहां भी ये हो जाएगा आपका बाकी सब सेम रहेगा क्लियर है यहाँ तक तो ये आपका यहां तक ये आपका हो गया क्या माइनस का साइन होती आपका यहां बनेगा ये भी इसका ऊपर बनेगा आपका ये आपका डिफरेंट तो पिक वैल्यू भी आपका यही रहेगा आपका तो ये आपका यहां पे पाई पाई से में बन गया आपका आईनोड का वैल्यू ठीक है सिमिलरली अगर थर्ड केस का बात करेंगे तो फिर से रिपीट करेगा ऐसे ही बनेगा ये फर्दर ऐसे रिपीट करेगा तो ये आईनोड का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया क्लियर है यहां तक तो ये आपका मैं यहां तक आपको क्लियर हो गया आई होप अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या निकालेंगे अब हमको इसका एवरेज वैल्यू चाहिए क्योंकि एवरेज वैल्यू को इक्वेट करेंगे तभी हमको

माइनस माइनस वन तो यहां पर टू हो जाएगा क्या हो गया टू ठीक है पुट के माइनस को वन हो जाएगा यहां पे माइनस ठीक है यहां पे आपका टू आ गया अब ये आयर का वैल्यू आया हमारा क्लियर है और आयर का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है वन मिली एमपियर दिया हुआ है। तो इक्वेट कर दीजिए इसको तो वी एम बाई पाई आर एस प्लस आर एम इंटू टू इज इक्वल टू वन इंटू टेन पावर माइनस थ्री माइनस थ्री क्यों किए क्योंकि तो मिली एमपेयर में दिया था। उसको एमपेयर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है अब बताइए क्या होगा इसको क्या दिक्कत है कोई आराम से निकल पाई। और क्या? क्या? तो निकालना है हम लोग आर एम का वैल्यू क्या है आर एम का वैल्यू दिया हुआ हंड्रेड ये हंड्रेड पुट कर दिया यहां पर इंटू टूल टू क्या वन इंट टेन पावर माइनस थ्री फर्दर इसको सॉल्व कीजिए आप लोग यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आर एस प्लस हंड्रेड आर एस प्लस हंड्रेड सॉरी आर एस प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड रूट टू इंटू टू डिटू वन इंट पावर माइनस थ्री ये आपका हो गया यहां से आप आर एस को निकाल सकते हैं निकालते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर कितना आ रहा है देख लेते हैं इसका हंड्रेड रूट टू इंटू टू डिवाइड बाई पाई इंटू वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ंड्रेड देखिए इसका आंसर आ रहा है एटी नाइन पॉइंट इसका जो आर एस का वैल्यू निकालेंगे यहां पे तो इसका आर एस वैल्यू क्या है? 89 .93, 89 .93 किलो ओम आ रहा होगा आप भी कैलकुलेट कीजिए देखिए यही आएगा एटी नाइन पॉइंट नाइन थ्री किलो ओम तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ऑप्शन देखने से सी ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन तो कैसे मैं प्रोसीड किया उसको इंपॉर्टेंट है यहां पे क्वेश्चंस आप देख के बहुत लोग खौफ हो जाता है लेकिन ये मात्र दो हार्डली एक मिनट का क्वेश्चन है दो मिनट में बन जाएगा आपको मैं तो यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं इससे टाइम ता लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन मात्र दो मिनट का क्वेश्चन है आपको बस थोड़ा तुरंत डायग्राम बन जाएगा बस फटाफट खत्म -फटा -फटा गेम ओवर हो जाता है क्वेश्चन का तुरंत तो यहां पर मैं एक्सप्लेन किया आपको प्रॉपरली इससे ज्यादा टाइम लगता है और इसलिए यहां पर आर एस यहां पे सॉरी आर एस क्या रहा है 89.93 किलो ओम और यहां पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो आपको ध्यान रखना कैसे मैं क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूं उसको आपको फोकस करना ठीक है चलिए क्वेश्चन को एंड करते हैं यहां पर थैंक यू